बिहार के बेगूसराय में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ के डिप्टी कमिश्नर शिव शक्ति कुमार ने अपनी ही भतीजी संजय सिंधु से लव मैरिज की है। दोनों का ये रिश्ता पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये मामला तब सामने आया जब संजय के परिवार वालों ने शिव शक्ति पर अपहरण का आरोप लगाया। संजय के परिवार वालों ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई। शुरुआत में तो इस मामले ने काफी विवाद खड़ा कर दिया, क्योंकि संजय के परिजनों ने इसे एक आपराधिक मामला बताया। लेकिन बाद में स्थिति बदल गई जब दोनों प्रेमी खुद सामने आए और अपनी प्रेम कहानी सबको बताई। चाचा भतीजी को कैसे हो गया लव? संजय और उसके चाचा शिव शक्ति को आपस में प्यार हो गया। दोनों ने अपने रिश्ते की परवाह किए बिना ही लव मैरिज कर ली। संजय ने मीडिया के सामने आकर स्पष्ट किया कि प्रेम करना व्यक्तिगत निर्णय है और इसमें किसी का दखल नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ जो FIR दर्ज की गई है वो बिल्कुल गलत है। अगर उनका अपहरण हुआ होता तो वे इस तरह से खुलकर सामने नहीं आ पाती। संजय ने बताया कि प्रेम विवाह के बाद से ही उन्हें और शिव शक्ति को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनके वैवाहिक जीवन में जानबूझकर मुश्किलें खड़ी की जा रही हैं। संजय ने कहा कि लव मैरिज के बाद उन्होंने काफी कठिनाइयों का सामना किया। अब वे चाहते हैं कि इन्हें इस तरह की परेशानियों से राहत मिले। शिव शक्ति ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि वे वैशाली प्रशासन से सुरक्षा की मांग करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये प्रेम विवाह है, अपहरण नहीं, और इस मामले में कोई अनैतिक कार्य नहीं हुआ है। शिव शक्ति और संजय दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। दोनों ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है।